सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में जो होने वाला है फर्स्ट T20 मैच, उसके बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे दो दर्द भरा न्यूज आपको सुनाना चाहेंगे, जो कि फर्स्ट रहने वाला है कि राशिद खान नहीं खेलेंगे, एंड जो सेकेंड वन होने वाला है ये है कि विराट कोहली अनअवेलेबल रहेंगे। तो ये दोनों न्यूज़ काफ़ी गंदा है, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स रहते हैं ना तो भाई बहुत मज़ा आता है मैच देखने का, अलग ही क्रेज रहता है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ये हो सके तो फर्स्ट T20 के लिए सिर्फ नहीं खेलेंगे, बाकी हम होप करेंगे कि ये सेकंड T20 में आ जाए। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले यहाँ पे हमको बता दें कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एक स्मॉली की टीम एंड प्लेयर्स इन्फो, एंड यहाँ पे तीन ग्रैंड लीग की टीम्स आपको मिलेंगी कल दोपहर 11 से 12 के बीच में, कभी शॉर्ट्स में अपलोड हो जाएगी तीन टीम। कोई भी अपडेट होगा, न्यूज होगा, वो सीधे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए उसे भी। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बाकी बात कर ले हम लोग इस मैच की, तो यहाँ पे देखिए H2H रिकॉर्ड्स लास्ट 5 ईयर्स की T20 इंटरनेशनल्स में। तो यहाँ पे तीन मैचेस खेले गए हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें से इंडिया ने 2 जीते हैं एंड अफगानिस्तान अभी तक 0 पे है। बाकी एक मैच यहाँ पे कैंसिल हुआ था बारिश चलते। बाकी वेन्यू की बात करें तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन बांद्रा स्टेडियम मोहाली में ये मैच होने वाला है, एंड मोहाली के पिच पे भाई दो प्लेयर्स काफ़ी खतरनाक चलने वाले हैं, एक इंडिया के प्रिंस यानी कि सुमन गिल एंड द हिटमैन क्योंकि है रोहित शर्मा। ये दोनों का बल्ला काफ़ी गंदा चलने वाला है कल, तो मैच देखने में तो अलग ही मजा आएगा, एंड इनकी बैटिंग देखने की तो भाई अजब ही मजा है। और यहाँ पे देखिए दो, मुझे लगता है जो मेरे प्रिडिक्शन है ना, कि दो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चलने वाले हैं आर गुरबाज, एंड यहाँ पे सेकंड में चलने वाला है यशस्वी जायसवाल। ये दोनों काफ़ी खतरनाक चलने का मूड में लग रहे हैं, क्योंकि ये बैटिंग ट्रैक होने वाला है एंड गुड फॉर पेस है। एंड हम आपको कुछ वेन्यू के स्टैट्स बता देते, तो देखिए टोटल मैचेस यहाँ पे 6 खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 2 जीते हैं एंड बैटिंग सेकंड करने वाले ने 4 जीते हैं। जो की बात करें यहाँ पे एवरेज स्कोर 160 से 180 तक गया है, हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 208 6 विकेट से गए हैं, एंड यहाँ पे लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लोएस्ट स्कोर उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी है 105 विकेट पे। यहाँ पे हो गए वेन्यू के स्टैट्स। रिकॉर्ड्स की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल विकेट्स 48 है, जिसमें से बाई पेसर्स 38 ले गए हैं एंड स्पिनर्स 10 ले गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेसर्स का आंकड़ा स्पिनर्स से काफ़ी ज़्यादा है। जल्दी से हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं टीम की तरफ, तो यहाँ हम लोग एक स्मॉल की टीम में जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं विकेट कीपिंग से, तो आर गुरबाज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहते हैं, क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं एंड इंडियन पिच पे काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा करके देते हैं, जैसे कि आप IPL में भी देख सकते हैं या फिर कोई भी T20 इंटरनेशनल जो इंडिया में हुआ हो। तो इनको आप ये लेके चलेंगे एक इंपॉर्टेंट पिक के रोल में। एंड यहाँ पे संजू सैमसन एंड जेस शर्मा की बात करते हैं, तो संजू सैमसन यहाँ पे आप ले सकते हैं, विकेट कीपिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट देने का क्षमता रखेंगे, जेस शर्मा विकेट कीपिंग नहीं करेंगे एंड यहाँ पे बैटिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट दे सकते हैं। बाकी जय शर्मा बहुत नीचे डाउन में मेंशन है, तो आप इनको इजीली ड्रॉप करके जा सकते हैं। बाकी बात करें बैटिंग में, तो रोहित शर्मा एंड सुमन गिल ये दोनों डिफॉल्ट पिक रहेंगे एंड बैटिंग ट्रैक है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर दे सकते हैं आपको। बाकी रिंकू सिंह की बात करें तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनका डाउन मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए अभी इनको हम अभी ड्रॉप कर चलते हैं। उनकी जगह यहाँ पे यशस्वी जायसवाल एक इंपॉर्टेंट पिक रहते हैं, क्योंकि ये भी एक बैटिंग ट्रैक है एंड काफ़ी अच्छा स्कोर करने का ये दमखम रखते हैं। बाकी आई जार्ड रन अफगानिस्तान की तरफ से हो जाएंगे एक इंपॉर्टेंट पिक बैटिंग के लिए। एंड यहाँ पे बड़े ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे देखिए अक्षर पटेल एम नवीन को यहाँ पे ड्रॉप कर जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं एंड यहाँ पे बॉलिंग उतना कुछ खास कर नहीं रहे हैं। अक्षर पटेल हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से काफ़ी अच्छा पॉइंट दे सकते हैं। एंड यहाँ पे ए उमरजाई भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, जो कि बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से काफ़ी अच्छा पॉइंट दे सकते हैं। एंड यहाँ पे बॉलिंग ट्रैक है और वो भी पेस बॉलर ट्रैक है, तो ये इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। बाकी अभी कोई ऑलराउंडर सेक्शन से और कोई अभी उठाने लायक है नहीं। एंड यहाँ पे बात कर ले तो राशिद खान अनअवेलेबल ही है। कुलदीप यादव आप सेकेंड इनिंग में जरूर प्रीफर कीजिएगा इनको, लेकिन फर्स्ट इनिंग में अभी आप इजीली ड्रॉप करके जा सकते हैं। बाकी अक्षदीप सिंह नवीन उल्लाह ये दोनों इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं और पेसर्स के रोल में। एंड यहाँ पे एक रवि बिश्नोई एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, या फिर अवेश खान साथ जा सकते हैं, क्योंकि अवेश खान यहाँ पे डेड ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, तो आप अभी फिलहाल अवेश खान के साथ ही जाइए। एफ फिरोजी की बात करें तो ये भी अभी कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, काफ़ी गंदा प्रदर्शन किए थे रिसेंट मैचेस में, इसलिए अभी फिलहाल इनको ड्रॉप करके चलते हैं। फर्स्ट मैच थोड़ा सा देख लीजिएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट रखिएगा। तो बात करें कप्तान निर्मल सुल्तान की, तो देखिए यहाँ पे हम फाइनल पिच रिपोर्ट देखने के बाद ही कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं जो कप्तान के रोल में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बैटिंग और ट्रैक रहा, तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, रोहित शर्मा ये तीनों काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे। यहाँ पे एक आर गुरबाज भी ले सकते, क्योंकि ये भी थोड़ा सा रोहित शर्मा
की तरह ही खेलते हैं, थोड़ा हिट एंड मिस वाले बल्लेबाज हैं, तो आप इन पे भी एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन वाइस कप्तान में भी आप इन्हीं चारों में से किसी एक को यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अभी किसी को भी बना के चलते हैं। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी एंड तीन ग्रैंड लीग टीम्स जो आप हम बताए हैं आपको कि 11 से 12 के बीच में आएगी, और कोई भी टीम अगर ग्रैंड लीग की एक्सपेंड करेंगे तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। जाकर जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के चलते ही आपको यहाँ पे कल का नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में।